राजद ने बिहार में बीजेपी पर वीआईपी और अहम पार्टी तोड़ने का आरोप लगाया है। राजद के प्रवेश प्रवक्ता ने जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की पार्टी को तोड़ने का आरोप बीजेपी पर लगाया है। वहीं चिराग पासवान ने कहा है कि नीतीश सरकार कभी भी गिर सकती है। बिहार एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, आग लगी हुई है। बीजेपी जेडीयू जो सत्ता में सबसे दो बड़े दल हैं, आपस में लड़ रहे हैं, सिर्फ फुटोवल कर रहे हैं, दोनों ओर से तलवारें खिंची हुई हैं। जो छोटे दल हैं जिनके दम पर सरकार है, वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी जी की और हम पार्टी मांझी जी की, उनको कोई तवज्जो नहीं मिल रहा है। बीजेपी चाह रही है दोनों पार्टियों को बर्बाद करना। बीजेपी का यही चाल चरित्र चेहरा रहा है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, अपने सहयोगियों की पार्टी को ही वो तोड़ लेती है। अरुणाचल में जेडीयू के 5 विधायकों को शामिल करा लिया था, और मुकेश सहनी जी भी अपना भविष्य देख रहे हैं। इस लड़ाई में बिहार की जनता पिस रही है, तो सबका हिसाब जनता पाई पाई लेगी। इसलिए बिहार की जनता के हित में जो लड़ाई तेजस्वी यादव जी लड़ रहे हैं, भविष्य में सब लोग तेजस्वी यादव जी के साथ खड़े होंगे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। खरमास के बाद जो खेला की बात हम लोग कर रहे थे, वो तो खेला एनडीए के अंदर चालू है। तो सब लोगों को यह लग रहा है, अब एहसास हो रहा है कि इस सरकार के रहते, नीतीश सरकार के रहते, भलाई जनता की नहीं होगी। जिसे बिहार की जनता की चिंता है, वो सब तेजस्वी यादव जी के साथ आएंगे। मुकेश सहनी जी का मन डोलने लगा है, अब नीतीश सरकार की नाव डूबेगी ये तय है। देखिए बहरहाल, ये पूरी तरीके से एनडीए का अपना इंटरनल मैटर है, और ख़ास तौर पर मुकेश सहनी जी की अगर मैं बात करूं, ये पूरी तरीके से उनकी पार्टी का अपना इंटरनल विषय है कि वो कहां पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, नहीं लड़ना चाहते हैं, गठबंधन में उनकी क्या बातचीत हुई है, नहीं बातचीत हुई है। आम तौर पर हम लोग देखते हैं कि जब किसी एक राज्य में गठबंधन होता है तो वो उस राज्य तक के लिए ही सीमित रहता है वो गठबंधन, और बाकी राज्यों में आपके पास स्वतंत्रता होती है, अगर आप लड़ना चाहते हैं आप लड़ सकते हैं। बट बहरहाल ये 1-to-1 इक्वेशन पर डिपेंड करता है। मुझे नहीं पता कि गठबंधन के वक्त मुकेश सहनी जी या उनकी पार्टी की क्या बातचीत हुई थी भारतीय जनता पार्टी से, क्या बातचीत नहीं हुई थी। बट हाँ, जिस तरीके से दरारें खुल के सामने आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत कुछ कहा जा रहा है, मुकेश सहनी जी अपने स्टैंड पर मजबूती से वो कायम है, ये किसी भी गठबंधन के लिए इस तरीके के मतभेद जो धीरे धीरे मनभेद में भी बदल रहे हैं, ये किसी भी गठबंधन के लिए सही नहीं होता है। बट बहरहाल, वैसे भी एनडीए गठबंधन में कुछ सही तो चल नहीं रहा है, ये तो फिर भी छोटे क्षेत्रीय दल हैं। अगर आप गठबंधन की दोनों प्रमुख दलों को भी अगर आप देखेंगे, तो जिस तरीके से मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जिस तरीके से टकरार चल रही है, और अपने आप को वर्चस्व की लड़ाई में बड़ा दिखाने में दोनों लगे हुए हैं, विभिन्न मुद्दों पर दोनों आमने सामने हैं गठबंधन, तो ये बात मैं बहुत पहले भी कह चुका हूँ। लगता है कि अब ये नीतीश सरकार या एनडीए की जो सरकार यहाँ पे चल रही थी, उसका पतन बहुत जल्द होगा, और बहुत जल्द अब ये सरकार गिरेगी यहाँ पर। क्या आपने जो दावा किया था कि बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होंगे, तो क्या ये आसार दिखने शुरू हो गए? मैं मान के चल रहा हूँ कि बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होंगे। कोरोना की वजह से जो यात्रा मुख्यमंत्री जी की, जिस तथाकथित, मैं इसको तथाकथित ही बोलूँगा, समाज सुधार, क्योंकि मैं नहीं मानता कि बिहारियों को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री जी को ऐसी किसी यात्रा पर निकलने की ज़रूरत है। बट बहरहाल, जिस तथाकथित समाज सुधार यात्रा पर मुख्यमंत्री जी निकले थे, ऐसी यात्राओं पर अमूमन वो तभी निकलते हैं जब वो खुद चुनाव की तैयारियों में लगते हैं। वैसे हम लोग मुख्यमंत्री जी को, बड़ी से बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, हम लोगों ने आज तक कभी नहीं देखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहीं जाते हों, या किसी परिवार से, पीड़ित परिवार से, जहरीली शराब से, नालंदा में ही कितने लोग मर गए, उनका गृह जिला, पर आज तक हम लोगों ने मुख्यमंत्री को कहीं नहीं देखा कि वो कहीं आए जाएँ। तो वो ऐसी यात्रा पर तभी निकलते हैं जब वो चुनाव की तैयारी में लगे होते हैं, और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर इस बात को समझ गए हैं कि बिहार में कभी भी सरकार गिर सकती है, और उन्होंने अपने आप को ऑलरेडी वो इलेक्शन मोड में आ गए हैं, चुनाव की तैयारी में वो लग चुके हैं। मुकेश सहनी ने जो बयान दिया, उसके बाद बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं कि चिराग पासवान को एनडीए में ला रहे हैं,
रमजान के बाद यादव ने कहा है। देखिए, हर उस नेता का मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अपनी भावनाओं को इतने स्पष्ट तरीके से उन्होंने रखा, पर मैं बार बार मैं इस बात को मैं कहता रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि फिलहाल मेरे लिए मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को नई मजबूती देना, संगठन के स्तर पर इसको मजबूत करना, पूरी नई प्रदेश कमेटी हम लोग की तैयार हुई है और नए सिरे से हम लोग संगठन के कार्यों में हम लोग लगे हुए हैं। तो अभी आज की तारीख में मेरी पूरी प्राथमिकता पार्टी के विस्तार, संगठन को मजबूत करना, और जैसा मैंने कहा कि गठबंधन की बात तब होगी जब कोई चुनाव आएगा। MLC चुनाव में पार्टी ने पुनः फैसला लिया है कि हम लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे। अगर कोई बीच में मध्यवर्ती चुनाव नहीं होता है तो आगामी 24 में जो चुनाव होंगे गठबंधन की चर्चा उस वक्त की जाएगी। यूपी विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी की क्या सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हम लोग जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था, अधिकांश सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। पहले और दूसरे फेज के कुछ प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। सिंबल को लेकर थोड़ा सा इशू था क्योंकि जो पार्टी का ओरिजिनल सिंबल है उसको चुनाव आयोग के द्वारा मतभेद की वजह से उसको फ्रीज कर दिया गया था। उस्ताद, आपत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।